नमस्ते दोस्तों, गीतांजलि की दुनिया में खूब खूब स्वागत है आपका। आज आपको यूपी की आलू टिक्की चाट के लिए, यूपी फेमस है वहीं की चाट आपको आज सिखाएंगे। ये मटर है दोस्तों, एक बड़ी कटोरी मटर ले लिया था। आप जितनी मटर लेंगे वो डबल हो जाती है। रात में भिगो दिया था अच्छे दो तीन पानी से धो के, इसका पानी निकाल दिया है। इसमें अब कुकर में डाल देंगे। आप देख लीजिएगा इसमें साबुत कड़े दाने तो नहीं रह गए। एक गिलास पानी डाल दिया। अब इसमें मसाले डाल देंगे। और दोस्तों उसी के बगल में आलू उबली रखी हैं, ये देखिए। हल्दी डालेंगे, ये कम लग रही है, आधा चम्मच डालेंगे, छोटा आधा चम्मच। और लाल मिर्च डालेंगे, मिर्च भी तीखी है। पिसी धनिया दो चम्मच, नमक एक चम्मच, दो चम्मच नमक आप अपने स्वाद के, नमक मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डाल लीजिए। कोई नमक ठीक खाता है, कोई हल्का खाता है। आप डेढ़ चम्मच भी कर सकते हैं। अब इसमें चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला में चाट मसाला का लिंक आपके साथ शेयर कर देंगे। चाट मसाला अब इसको चढ़ा देंगे, कम से कम 5-6 सीटी बज जाएगी। ये देखिए दोस्तों, आलू है उबाल ली है 2 घंटे पहले। अब इसको छील के कद्दूकस करेंगे। तब तक चटनी की तैयारी कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, गेहूं का आटा है। गेहूं के आटे को से ही बाइंडिंग करते हैं। ना इसमें मैदा डालेंगे, ना आरारोट डालेंगे, ना इमली पड़ेगी। कोई इंस्टेंट चटनी है और उतनी ही स्वाद लगती है। चीनी डाल देंगे अब इसमें, एक दो तीन चार पाँच छ सात। खटाई डाल देंगे, मैंगो पाउडर और लाल मिर्च डालेंगे। दोस्तों ये जो चाट मसाला डालेंगे, इसमें सौंठ पड़ी है, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं इसमें, हींग सौंठ, इसलिए चाट मसाला में सब चीज़ें हो जाती हैं, इसलिए चाट मसाला डालने से आराम रहती है। नमक डाल दिया। अब इसको पहले थोड़ा सा मिला लेंगे, ऐसा ना हो गांठे पड़ जाए। तो मैं कह रही थी कि चाट मसाले में बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं, तो अलग से कुछ नहीं डालना पड़ता। आप चाट मसाला बना के रख लीजिए, यही मसाला दही बड़े में, रायते में, चाट में, सभी चीज़ों में काम आता है। आप लोग आप कभी अगर आपने यूपी की चाट खाई हो तो वहाँ पर वो लोग मसाला एक ही यूज़ करते हैं, वो यही मसाला होता है। इसको बना के रखने के बाद वो नमक मिर्च डाल के फिर ये मसाला डाल देते हैं, तो इसमें सभी चीज़ों का टेस्ट आ जाता है। दोस्तों ये 6 सीटी बज गई हैं। अब देखिए मटर ऐसी हो गई है, बहुत इसको गलाना नहीं है क्योंकि चाट फिर भरते जैसी हो जाती है। बस थोड़ी देर बंद करके कुकर रख देंगे तो ये अपने आप, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पानी भी रखना। अब जो चटनी का घोल तैयार किया था इसको चढ़ा देंगे। ये धीमे धीमे, देखिए गैस सिम पर है, लो फ्लेम में है, तो ये धीमे धीमे ऐसे ऐसे बीच बीच में चलाते रहें, आप दूसरे काम करते रहें, ये धीमे धीमे अपने आप पक जाएगी और ये थोड़ी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। रखने से गाढ़ी हो जाती है जब ठंडी होती है। अब हरी चटनी की तैयारी कर लेते हैं। दो लाल मिर्च, हरी मिर्च है वो लाल हो गई है। धनिया डाल देंगे, धो के रखी है। इसमें और कुछ नहीं डालेंगे, बस नमक डालेंगे। मिर्च, धनिया, नमक, आप चाहें ऑप्शनल है, आप नींबू डालना चाहें नींबू डालें, ना डालना चाहें ना डालें। और ये बहुत तीखी होती है, चाट वालों के पास इसी तरीके से बनती है। बन गई हरी चटनी। अब ये देखिए लाल चटनी भी पक गई है।
आप इसको बहुत नहीं गाढ़ा करें क्योंकि ये ठंडा होने के बाद इसमें थिकनेस आती है, फिर भी ये चटनी कम से कम 10 मिनट लेगी। इधर देखिए आलू जो रखे थे उबले, उनको कद्दूकस कर लिया। इस तरीके से आटे की तरह गूंद लेंगे तो कहीं भी गांठे नहीं रहेंगी। अब बस बनाते जाएंगे। देखिए यहाँ पर छोटी छोटी टिक्कियाँ बनती हैं, बड़ी बड़ी 2 टिक्कियों की 5 या 6 टिक्की बनाई जाती है, उतने ही आलू की जितनी 2 टिक्की बनती हैं उसी की। देखिए छोटी छोटी, तो ये बहुत क्रिस्पी होती है और ये हर बाइट में चम्मच में एक बार में उठाने में आ जाती है और ये क्रिस्पी भी बहुत रहती, कच्ची नहीं रहती। देखिए 1 टिक्की से 5 बनती हैं। अब इसमें देसी घी डालेंगे तवे पे, अच्छे से तवा गर्म हो जाएगा, खूब बढ़िया गर्म हो जाएगा। तवा घी सोख लेता है तो चिपकती नहीं है। ये देखिए अच्छे से घी गर्म हो गया है। जितनी एक पत्ते चाट में आलू की टिक्की होती है उतनी ही टिक्की की मैं बनाऊंगी। बहुत छोटी छोटी हैं, आपको थोड़ी सी शायद बड़ी भी लग रही हैं इसमें, पर हैं बहुत छोटी छोटी, उतनी ही टिक्की की 6 टिक्की मैंने बनाई है। 2 आलू की टिक्की 6 टिक्की। अब इनको आराम से पकने देंगे। अभी गैस तेज है, फ्लेम तेज है, फिर थोड़ी धीमी कर लेंगे बाद में। अब इधर किनारे किनारे भी घी लगा देंगे। आपने देखा होगा अगर कि चाट वालों के ठेले पर हमेशा इस तरीके से टिक्की, ये ऐसे टिक्की पकती रहती हैं, फिर वो इन्हीं को बीच में करके तुरंत गरम कर देते हैं। ये तब तक यहाँ पर लाल हो जाएंगी। अब गैस मीडियम पे है। ये देखिए अभी कम करा रही हूँ, बिल्कुल करारी चुरचुरी टिक्की बनती है। अभी कुछ कसर है, अब सभी को पलट देंगे। इन टिक्कियों को ना दबाने की ज़रूरत पड़ती है ना दोबारा सेकने की ज़रूरत पड़ेगी। आप देखिएगा आखिर तक कि कितनी लाल बिल्कुल करारी टिक्की हो जाएगी। घी और डालेंगे, अब घी अच्छे से डाल देंगे जिसमें खूब अच्छे से टिक्की, क्योंकि टिक्की अगर सूखी सूखी में थोड़ा कम मज़ा आती है, खूब घी में करारी। और देसी घी की चाट का तो अपने ही मज़ा है। ये देखिए मटर, आपको चाट वाले के ठेले की फीलिंग आ रही होगी बिल्कुल वो इसी तरीके, क्योंकि इस जगह मटर गर्म हो रही है। और शहरों में कैसा होता है मुझे नहीं पता, लेकिन यूपी में इसी तरीके से होता है। तवे पे ही मटर रखी रहती है, तवे पे दूसरी टिक्की और बीच में जो चाट बननी होती है वो वाली टिक्की सिक रही होती है। इससे मटर भी गर्म हो जाती है, मटर में सब मसाला पड़ा हुआ है। जब तक ये सिक रही है तब तक आप मूली के लच्छे, मूली का लच्छा और चीज़ों की तैयारी कर लें, सब सारे मसाले तैयार कर लें, क्योंकि टिक्की पकने के बाद टाइम नहीं बचता है कि आप सब एक एक मसाला निकालें, क्योंकि टिक्की ठंडी हो जाएगी तो फटाफट करना होता है कि उसमें धुआं निकलता रहे और आप सारे मसाले दे के दूसरे को सर्व कर दें। तो इसके लिए पकने के टाइम पर ही सारी तैयारी करनी होती। देखिए मैं सारी तैयारी उसी टाइम पर कर रही हूँ। अब देखिए फिर पलट देंगे। देख रहे हैं दोस्तों कितनी मस्त
चक्की बन रही है। दोस्तों आप पूरा वीडियो देखिएगा, ये चाट बिल्कुल अलग तरह की बनने वाली है। देखिए अब चाट को पत्ते पे ही खाने का मज़ा आता है। अब देखिए तैयार हो गई है, दोनों तरफ से बिल्कुल लाल लाल है। ऐसे होता है पत्ते में बड़ी टिक्की होती है। देखिए मटर को उसी जगह पर बिल्कुल कर लेंगे जिससे अच्छे से हो जाए। अगर टिक्की बड़ी होती है तो उसको फिर काटने में चम्मच से वो कटती नहीं है, क्योंकि लकड़ी का चम्मच मिलता है और उससे या प्लास्टिक के चम्मच से टिक्की कटती नहीं। इस तरीके में एक एक बाइट में आती है। नमक डाल देंगे क्योंकि आलू, यूपी की चाट में आलू में कुछ भी नहीं पड़ता है, धनिया मिर्चा नमक कुछ नहीं पड़ता है, प्लेन आलू की टिक्की बनती है। यहाँ ये सब मटर डाल देंगे। दोस्तों देखिए अब धुआं निकल रहा है, फटाफट अब सब मसाले पड़ेंगे, चटनी पड़ेगी, हरी चटनी है ये, तीखी चटनी, इसलिए थोड़ा ही डालेंगे इसको। धनिया, चाट मसाला, एकदम से चाट मसाला ना डालें क्योंकि अभी दो तीन लेयर में पड़ेगा, इसलिए नमक हल्का सा और लाल मिर्च, दही, दही भी एकदम से ना डालें, पूरा देखते जाइए किस तरीके से बनती है। यहाँ मीठी चटनी, अगर आपने यूपी की चाट खा ली तो फिर आपको कभी कहीं की चाट पसंद ही नहीं आएगी। फिर दही डाला, मूली का लच्छा, मूली के लच्छे पे कुछ नहीं है इसलिए फिर चाट मसाला डालेंगे। ये फटाफट काम होता है, दही हरी चटनी, क्योंकि मूली के लच्छा में कुछ भी नहीं है, नमक मिर्च कुछ नहीं पड़ी है। ये देखिए ये दोस्तों यहाँ पे पापड़ी या खस्ता आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए नमक पा रहे हैं चाट के साथ के लिए, आप इसको काट के खाएं, काट काट के खाते जाएं, चाट खाएं। ये देखिए लाल नमक डाल, लाल मिर्च डाल दी। अब ये भुजिया, इसी में मैंने दो तरह की बनाई है, भुजिया वाली और बिना भुजिया वाली। ये पुदीना वाली भुजिया डाली है दोस्तों, ये देखिए बिना भुजिया वाली चाट है। आपको दिखा रही कि एक ही बाइट में देखिए टिक्की पूरी आ गई, इसको चम्मच से काटना नहीं पड़ा। मैं खा के देख लेती हूँ कैसी बनी है। बढ़िया मस्त दोस्तों, चाट का मतलब है जब तक चटपटी पसीना ना आ जाए तब तक मज़ा नहीं आती है। ये देखिए दोस्तों तैयार है बढ़िया चाट, बनाइए खाइए खिलाइए, अच्छी लगे तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए नए व्यूवर्स हो। और आपने मेरा वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं गीतांजलि की दुनिया में किसी नई चीज़ के साथ। बाय बाय।